अभिव्यक्ति और माध्यम किस चिड़िया का नाम है, आखिर क्या बला है, क्या ये हमारी क्लास के लिए है या नहीं, अगर है तो क्या है इसमें, कितने चैप्टर्स हैं हमारे लिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये अभिव्यक्ति और माध्यम ये दो क्लास के लिए है, पहली 11th, दूसरी 12th। 11th और 12th के लिए ये अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक पहले कंबाइंड आती थी, अब भी आती है। आप अगर बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको कंबाइंड बुक भी मिल जाएंगी, जिसमें 11th और 12th दोनों के चैप्टर्स होंगे, मतलब दोनों क्लास के लिए ये बुक होगी। लेकिन धीरे धीरे, ये पहले ऐसे ही आती थी, कंबाइंड आती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पब्लिशर ने दोनों क्लास के लिए अलग अलग छापना शुरू कर दिया, यानी 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। अब मैं नहीं जानता कि आप 11th क्लास में हो या 12th में। अगर आप 12th में हो तो क्या आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो इस बुक को, या अगर आप 11th में हो तो क्या अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक पढ़ रहे हो, क्या आपको 11th क्लास में ये बुक लगवाई गई थी या लगवाई गई है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे 11th में भी ये बुक पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 11th क्लास में अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और 12th के लिए कितने आने वाले हैं। देखो बच्चों, इस अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है, जो कि कंबाइंड कह सकते हो, कंबाइंड बुक में आपको 16 चैप्टर्स मिलेंगे। 16 चैप्टर्स में से 7 चैप्टर्स तो 11th के लिए और 12th के लिए बाकी बचे हुए 9 चैप्टर्स हैं। अब ये बात भी ध्यान रखना कि अगर आपने कंबाइंड बुक ली है तो बीच बीच में 11th के और बीच बीच में 12th के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये 11th क्लास के चैप्टर्स हैं और इसके अलावा बाकी जो बच गए, यानी ये वाले, ये 12th के लिए चैप्टर्स हैं। तो इसको आप ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। लेकिन अगर आपने 11th क्लास की बुक अलग ली है, 12th के लिए अलग ली है, तो आपको ये दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक सबसे बड़ा मिथ है इसको लेकर कि ये ग्रामर पोर्शन है। देखो बच्चों, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें एक भी चीज ग्रामर पोर्शन नहीं है, व्याकरण नहीं है ये। आप में से ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये व्याकरण है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। इसमें भी बाकी बुक्स की तरह चैप्टर्स ही हैं। जिस तरह से आप अंतरा, अंतराल, आरोह, वितान इन बुक्स को पढ़ रहे हो और इनके चैप्टर्स पढ़ रहे हो, ठीक ऐसे ही अभिव्यक्ति और माध्यम में भी चैप्टर्स ही हैं। लेकिन इसमें आखिर किस तरह के चैप्टर्स हैं वो भी ध्यान से सुनो। आपको इसमें एक तो पत्रकारिता से संबंधित चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। पत्रकारिता मतलब न्यूज़ से रिलेटेड, समाचार पत्रों से रिलेटेड, पत्रकारों के बारे में, पत्रकार किस तरह से न्यूज कलेक्ट करते हैं, किस तरह से छपती हैं, किस किस माध्यम से खबरें छापी जाती है, जैसे टीवी, अखबार, इंटरनेट, रेडियो, इन पर जो खबरें आती हैं वो किस तरह से आती हैं, किस तरह, किस किस स्टेप से होकर गुजरती है, ये सारी बातें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, इनकी बुक्स के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कहानी लेखन, नाटक लेखन, ये किस तरह से होता है, ये सारी चीजें इसी बुक में है। और इन चैप्टर्स के जो मार्क्स हैं, या यूं कहें अभिव्यक्ति और माध्यम आखिर कितने मार्क्स की आने वाली है, ध्यान से सुनो, 11th और 12th दोनों क्लास के लिए 22 नंबर की बुक आने वाली है। 22 यानी 22 आउट ऑफ 80, कम नहीं होते बच्चों, एक तरह से 25% से भी ज्यादा मार्क्स इसी बुक में से आ रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। और ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं, ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। इसके अलावा जो अदर बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, इनके आप एक दो नंबर, दो तीन नंबर ऊपर नीचे भी लगा सकते हो। अब इतने मार्क्स की आने वाली है, ये कोई छोटी बात नहीं, यानी 22 मार्क्स कोई कम नहीं होते। तो बच्चों, उसके हिसाब से उस लेवल की तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। डोंट वरी बच्चों, इसकी तैयारी बहुत इजी तरीके से, मतलब इनके चैप्टर्स की इजी एक्सप्लेनेशन तो है ही, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, वो भी आपको मैं देने वाला हूं। मिलेंगे कहां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, एक कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और रिवीजन भी करना, इसकी रिवीजन के लिए ठेका भी मैं ही ले रहा हूं। इसकी रिवीजन के लिए आपको जस्ट एक काम करना है, आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको डेली रिवीजन करवा रहा हूं, जिससे एक टाइम के बाद, यानी एग्जाम टाइम तक आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। तो उसको भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं। और अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड कोई भी कैसा भी डाउट और बच गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना।